टाइगर ग्रुप सामाजिक चैनल ला फॉलो करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा। सचिन भैया बोल रहे क्या आप? हाँ मैं इंदौर से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, मैंने आपका फेसबुक से मैंने आपका नंबर निकाला। हाँ बोले ना। ये मेरा छोरा है ना, बहुत परेशान कर रहा है, ड्रग्स पीता है। अच्छा सर, बहुत परेशान कर दे सर। अकेले औरत में क्या कर सकती, मेरे को कोई दिमाग। तुम्हारा नंबर देखा मैंने, तुम हर इंसान का मदद करा, मैंने बोले ये नंबर से फोन लगा के देखती हूँ एक बार, अच्छा इसलिए आपका नंबर मिला था सचिन भैया, मैंने इसलिए आपको लगाया फोन। अच्छा, इंदौर में कहाँ रहते? इंदौर में गौरी नगर में रहते सर। अच्छा, गौरी नगर से मैंने वो व्हाट्सअप देख वो देख रही थी फेसबुक, तो एकदम तुम्हारा नंबर दिख गया। मैंने बोला सबको, गरीबों को मदद कर रहा, मैंने कभी मेरे को मदद करते तो अच्छा था वो। ठीक है ठीक है, करेंगे। नाम क्या बोले पूरा आपका? गीता शवाले, गीता चौहान, गीता शवाले, शवाले, गीता चवाड़े, शवाले, चवाड़े। हाँ शवाले, हाँ शवाले। हाँ प्रॉपर इंदौर मध्य प्रदेश क्या महाराष्ट्र के तुम? मैं महाराष्ट्र के ऊपर रहती, मैं इंदौर में ही है सर, मेरे को 30-35 साल हो गए। अच्छा, फिर मराठी नहीं आती आपको क्या? फिर मराठी आती पर बहुत कम आती है, मुझे एकदम पूरी नहीं आ पाती है। अच्छा, मुझे मराठी समझ में आती पूरा। हाँ समझ में आती पर बोलना नहीं आती है। अच्छा ऐसा है। हाँ अच्छा, क्या आपका बच्चे का नाम क्या था? सुमित। क्या? सुमित, सुमित पूरा नाम? पूरा सुमित शवाले। अच्छा, बहुत सचिन भैया मैं इतनी परेशान हूँ, कम से कम 4-7-8 साल हो गया एसी का हालत हो रही मेरे में, क्या बताऊँ आपको, कोई साथ देने वाले भी नहीं यहाँ पर। अच्छा, इसकी कंप्लीट कहाँ, इसकी कंप्लीट कहाँ पर, कहाँ पर करोगे? क्या भैया, इसकी कंप्लीट कहाँ कहाँ पर लेकर गई? मैंने ना 8 जगह लिखा था, तो एक जगह बोलता 15,000 भरना, एक जगह बोलता 30,000 भरना। सर मैं इसके पैसे कहाँ से लाऊं? कहीं के लिए, कहीं के लिए पैसे भरना? वो उस नशा छुड़ाने के लिए। क्या? जैसा शराब नशा करता ना, ड्रग्स पीता, गांजा पीता, तो इसकी वजह से पैसे मांग रहे, तो मेरी मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो उसको पैसे लगा के मैं अच्छी कर सकती हूँ उसको। अच्छा हेलो 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 सचिन भैया, हेलो हेलो भैया, सचिन भैया चिल्ला रही इधर से। बोलो बोलो। हाँ बोलो। बेटे की उम्र कितनी तुम्हारे? 20 साल का है सर भैया। 20 साल में कितने साल से नशा करता है वो? कम से कम 4-5-6-7-5-5-1 साल होगा उसको। बोले तो फिर 15 साल से, 15 की उम्र से करता है वो? 15 की उम्र से करता है, तो चोरी छुपे से हमको मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, तो चोरी करते एक तो अभी तो पूरी ओपन भी फिर हो, तो घर में कितना मार कितना कूट उसको, मैं अकेले और कितना मार सकती मैं उसको। अच्छा, फिर उसके फादर का नहीं सुनता क्या? किसी का भी नहीं सुनता, सब भी हाथ उठाता सर वो। हाँ। मेरे पे भी हाथ उठाता है, पागलपन हाँ। करता है ज्यादा। अच्छा क्या काम करते हो वहाँ पर इंदौर में तुम? मैं ये कटलरी का माल बेचती हूँ सर। बोले तो ये माला, ये कटलरी का जो आता ना चूड़ी उड़ी कंगी विंगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो वाला काम करते हैं। उसके पास पैसा कहाँ से आता है वो? क्या मालूम भैया, कहाँ से लाता कहाँ से नहीं है। मेरे को बोलता है चप्पल के लिए 100 रुपए दे, मेरे को कपड़े के लिए पैसे दे, पैसे नहीं नहीं बोलता तो फिर भी हाथ कटवाता, पलन करवाता, ब्लेड लाता, ब्लेड से हाथ कटवा के फिर खून खून बहा लेता घर में। हाँ। इतना बहुत परेशान हूँ, बहुत इतनी परेशान हूँ भैया, मैं तेरे को क्या बताऊँ। मैंने बोला आपको वो मोबाइल देते देखते आपका नंबर मिल गया मेरे को। कहाँ से नंबर ले? यूट्यूब के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम से? फेसबुक ही देख रही थी मैं। अच्छा अच्छा, तो उसके नंबर तुम मैंने पढ़ लिया था। मैंने बोला गरीबों को तो मदद करने वाला भैया दिख रहे हैं मेरे को, पहले एक बार बात करके देखती हूँ आपको आपसे। अच्छा, फादर की भी नहीं सुनता वो? किसी की भी नहीं सुन रहा।
अपने उसकी पाता कोई उसकी एक पाता मिनट के एक ऊपर ही हाथ उठा मिनट, उसने। मेरे दीदी तुम्हारे तुम्हारे को बच्चे कितने हैं? को 2 है सर, ये छोटा है क्या बड़ा है? जो एक बड़ा है वो अलग रहता है मेरे से। वो बोलता है तुम्हारे छोटा छोरा वाला और आप वाला, मैं बीच में नहीं आऊंगा आपका। उसका भी नहीं सुनता उसका भी नहीं सुनता, बड़े बड़े भैया भी हाथ उठाता हूँ। क्या काम करता है बड़ा? बड़ा गाड़ी चलाता भैया, कौन सी गाड़ी? ये क्या बोलते उसको पिकअप आते ना, जो माल बिल ले जाते लाते पिकअप चलाता वो भी ऐसे रोज से जाता वो। अच्छा, उसको 2 बच्चे और उसकी औरत को लेके अलग खाता वो। प्रॉपर महाराष्ट्र में से कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र से बीड से हूँ सर, मेरे बीड से उधर कितने साल हो गए? तो को कम से कम इधर 35 साल हो गए इधर अच्छा 35 साल से उधर स्थायी। उधर। हाँ अच्छा इंदौर में, मध्य इंदौर प्रदेश। में, मध्य प्रदेश में हूँ अच्छा ना। कोई साथ ही नहीं दे रहे भैया, इतने सारे भाई ने कोई भी साथ नहीं दिया मेरे को। तो तुम्हारे कोई सबको उधर मैंने फोन लगा। नजदीकी तुम्हारे नजदीक कोई भाई तुम्हारे तुम्हारे रिलेटिव वहां यहाँ पर? पर मेरी इधर जब मैं जा रही थी ना, मेरी इधर तो कोई भी नहीं है मेरे साथ देने वाले। यहाँ पर सब अच्छा भाइयों ने उधर ही महाराष्ट्र की तरफ से सबको फोन लगाया, थोड़ी मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं करी। अच्छा इसलिए मैंने सबसे उम्मीद थी छोड़ दी सबसे मांगने के लिए। रो मत दीदी, रो मत। मैं एक बात सुनो मेरी, इंसान से गलती होती है अच्छा दीदी। मेरी बात सुनो पहले, इंसान से गलती होती रहती है। एक बार कुछ सुधारने का देखो तुमको। सुधारने का मौका तो कम से कम भैया नहीं अगर नहीं साथ मौका भी मिलेगा, देंगे ना। मौका मिलेगा, हर बार मौका मिलेगा। इंसान से गलती होती रहती है, बात सुनो मेरी दीदी। इंसान से गलती होती रहती है, इंसान एक गलती का कठपुतला है, घन से इंसान से होती है गलती। बात सुनो, ऐसा रहता है मालूम है क्या? आप तुम्हारा बच्चा सुन रहा नहीं, ठीक है? हाँ तो क्या करो फिर, जो तुम बोल रहे हो जो नशा का, उनको गांजा का भी है, ड्रग्स का, मैं इसके बारे में तुम्हारे को सोल्यूशन दूसरा क्या देना बोलो तुम? खुद ही समझ नहीं पड़ रही इसके लिए क्या कर सकती। मैं जान छोड़ू क्या इसके लिए? एक चोर के पीछे तो फिर पूरे बच्चे मेरे हालत हो जाएगा अगर मैं मर जाऊंगी तो उसके पीछे। अच्छा, तुम्हारे को मदद क्या चाहिए बोलो। 1000 1 टका मैं मदद करूंगा। मैं आप जो मदद कर सकते तो कर सकते भैया, आप जो भी अच्छा तुम्हारे से बनता है। तुम्हारे ऐसा मैं जिंदगी भर के नहीं बोल पाऊंगी। एक माँ से एक बच्चे को तुम बचा सकते हो उसको। ठीक है दीदी, दीदी रुको रुको, मैं भाऊ मेरा मेरे बड़े भाई भाऊ के साथ बोलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तुम्हारे को फोन करता हूँ। हमारे जो टाइगर ग्रुप राष्ट्रीय संस्थापक मेरे गुरु है, उनके साथ बातचीत करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ, तुम्हारे को फोन कॉल बैक करता हूँ मैं। डरो मत, इंसान से गलती होती रहती है। और एक बार सुधारने का परेशान मौका रहता दो, भैया और एक बार सुधारने सचिन का मौका भैया दो, उनने। मौका दो उनको, मौका दो एक बार देखो, और एक बार देखो। मौका तो देना चाहती हूँ उसको, पर हाँ, मौका देने के लिए कोई आप कहाँ पर है बच्चा तुम्हारा? अभी बाहर है। वो तो मेरे घर आता ही नहीं है, दोपहर में चिल्ला चोट करके गया, लड़े उड़े करके गया, तो सुबह निकल को दिया मुझे उसको मैंने। मॉर्निंग को बाहर जाता है और शाम को आता है, रात के बाद रात में शाम को कितने, कम से कम 12 बजे 11 बजे 1 बजे घर आता है। रात को उसकी पढ़ाई कितनी हुई? पढ़िया नवी तो करा, नवी से बंद कर दिया ना। यारी दोस्त में बिगड़ चुका हूँ, इतना नहीं बिगड़ा था पहले वो। यारी दोस्ती बिगाड़ती रहती है। मैं ठीक है, टेंशन मत लो, एक 10 15 मिनट के अंदर कॉल बैक करूंगा मैं। ठीक है सचिन भैया, तुम्हारे ऐसा नहीं भूल पाऊंगी कभी मैं। टाइगर ग्रुप सामाजिक चैनल ला फॉलो करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा। आपका रास्ता देख रही थी मैं कल फोन का, आपने फोन ही नहीं लगाया। हाँ नहीं, थोड़ा भाव मेरे गुरु थोड़ा काम में थे, इसके साथ उनके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया मैं। हाँ, तो तुम्हारा बच्चा है क्या आप घर में, तुम्हारा बेटा? हाँ। सो रही है अभी तो। दो उनको थोड़ा फोन दो, मैं अच्छी तरह उनको समझाता मैं उनको। हाँ सुमित है, सुमित सुमित थोड़ा बात करेगा क्या बोले, भैया से भैया वो उधर वो बहुत दूर रहता भैया। नहीं पहचानते फिर भी बात करना। मैं नहीं जानता तो किससे बात कर लूँ, मम्मी बेटी बता। मैं भी तो कर रही क्या? नहीं तो मैं जानता नहीं, तू नहीं जानती, कोई नहीं जानता, तो कोई तो थोड़ा तो पहचान तो कर उससे, पहचान तो कर दो, क्या बोल रहा है क्या नहीं, पहचान तो कर उससे। हेलो धीरे धीरे हेलो। धीरे बात कर, हाँ धीरे बात कर। क्या चल रहा है? हाँ भैया क्या चल रहा है? सब बढ़िया भैया। सो रहे क्या आप? हाँ अच्छा, तबीयत कैसी आपकी? सब बढ़िया है। अच्छा, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, सचिन भैया पवार टाइगर ग्रुप के माध्यम से बात कर रहा हूँ, सामाजिक काम हाँ करता पूरे भारत भर में।
हाँ, जो तुम ये गलत करते ना भाई, ये ड्रग्स वगैरह गांजा वगैरह करने का नहीं, अच्छा नहीं है। घर में हाँ मम्मी मम्मी पापा को तकलीफ, पूरे फैमिली को तकलीफ होती रहती है, ऐसा नहीं करने का। ऐसा क्यों करता है? कुछ काम कुछ काम कुछ का कुछ काम भी छोड़ना चाहे। कोशिश कर रहा हूँ मैं, छोड़ना कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, छोड़ने का कोशिश करो, इंसान से होता रहता है, गलती होती रहती है, छोड़ने का कोशिश करो। मम्मी तुम्हारी समझेगी, पापा समझाएगा तुम्हारे तुम्हारे को। क्या भैया बात करने के लिए भी राजी नहीं है वो, देखो बात बोल रहे हो? करने के लिए राजी भी नहीं है, बोलता मेरे को बात नहीं करनी। अच्छा, क्या बोल रहे हो? बोले तुम किसी को फोन लगा दिया, बोले तुमने मेरे को पहचान नहीं है कुछ भी नहीं, फिर भी फोन लगाती। बोलो अच्छा, उम्र कितनी? 20 साल की इसके? 20 साल के, 21 साल का हो रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बात बता तू दीदी, आप एक बात सुनो मेरी। क्या बोलो भैया। करो, जो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मिलता है, आयुर्वेदिक मालूम है तुम्हारे को, ऐसा नशा छोड़ने का आयुर्वेदिक वो मिलता का भैया, ये मालूम नहीं है मेरे को। हाँ मालूम नहीं तुम्हारे को क्या? हाँ अच्छा, नजदीकी अपने जो आयुर्वेदिक स्टोर रहता है वहां पर नजदीक, कहाँ भी जाने का, कहाँ भी हाँ रहता है स्टॉल, कहाँ भी रहता है वो, तुम पहले वो क्या करो, इनको उनका इंक्वायरी निकालो तुम आयुर्वेदिक हाँ स्टोर का। ठीक है सर। वहाँ जाकर तुम एक बार विजिट दो, वहाँ से तुम्हारे को टोटली तुम्हारे वहाँ से मिलेगा तुम्हारे को क्या, तुम मेडिसिन वगैरह आयुर्वेदिक। उससे हो जाएगा इसका काम, कंफर्म ठीक है भैया। कंफर्म बोल रहा हूँ मैं, इनका काम होगा। लेकिन इनको क्या बोलो, इनको पता नहीं बताने का नहीं, ऐसा खाने का बोलो, जो इनका खाना रहता है ना, खाने में डाल कर डालो इनकी। अच्छा हाँ, अच्छा उनको मत बताओ, उनको उनको बताएगा तो वो खाएगा भी नहीं। हाँ, जब अपन कुछ भी नहीं डालते ना तो वो बोलता तुम वो मिला के दिया, मेरे को दवाई मिला के दिया, जैसे झूठा झूठा नाम बोलता मेरा नाम ना। अच्छा, ऐसा है। अगर जैसे अपन मैं खाना देते ना उनको, तो क्या बोलता, पहले तो क्या मिला इसके अंदर, हाँ, क्या मिला के दे। मैंने बोला भैया कुछ भी नहीं मिला थी मैं तेरे लिए, तो वो खाना तो खाने तो रख दे तू ऐसा ही। अच्छा, हाँ तो मारना चाहती मेरे को, दूसरे कहने में आती है, हाँ, मैं क्या क्या मारूंगी भैया इसको, क्या नहीं नहीं वो, मारूंगी आ इसको। वो मरा सोए, उनको क्या हाँ तो मारना मार इंसान को और मारूंगी क्या बता मैं। वो जो ऐसी मैं, कौन सी माँ है तो कुछ जहर का डाल के उसको खिला सकती हूँ उसको मैं। राइट राइट, टेंशन मत लो दीदी, इंसान से गलती होती रहती है, तुम्हारा तो ये मैटर कुछ नहीं, इससे वो बहुत क्रिटिकल मैटर आते हैं हमारे पास। कल भी है ना दोनों भाई एक कितने लड़े हो गए भैया, पकड़ पकड़ के मैं कुछ बीमार पड़ गए रात से। नहीं नहीं टेंशन लेने का नहीं, होती रहती है ऐसी छोटी मोटी बात, बड़ी बात होती रहती है। ये जो को कैसा रहता है मालूम क्या, बात सुनो मेरी, हर घर की कहानी ऐसी रहती है, क्या तो क्या मैटर रहता है उनके घर में, वो पर टेंशन ले। मेरा मैटर कुछ भी नहीं है, सिर्फ छोरे के अलावा। हो, ये मैटर बोल रहा हूँ, यही ऐसे हाँ क्या तो हाँ मैटर रहता है जे हर घर में, एक हाँ तो हाँ टेंशन लेने का नहीं, जो ठीक तुम्हारे को बताया ना वो करो तुम, 1000 1 टका तुम्हारे को वहां से क्या तुम्हारे लिए मिलेगा तुम्हारे को। ठीक है इनको बताओ मत खाने में, खाली खाने में डालने का इनको। भैया। 1000 1 टका वहां से प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व होगा, हाँ ठीक है? टेंशन मत लो, क्या बहुत मदद लगे तो फोन करो, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।